फेस पे पिंपल्स तो चले गए हैं, लेकिन पिंपल्स के जो दाग हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं। विंटर है और विंटर के कारण इसकी इतनी ड्राई हो जा रही है कि फेस पे फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखाई देने लगे हैं। स्किन ग्लो बिल्कुल नहीं कर रही है, स्किन जो है वो लूज होती जा रही है, स्किन सैग होती जा रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, एक क्रीम। जी हाँ, ये एक होममेड क्रीम आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपके फेस पे ग्लो भी लेकर आएगा, पिंपल्स के या कैसे भी स्पॉट है उसे भी दूर करेगा, आपके स्किन को भी ये ठीक करने का काम करेगा। और अगर एज के कारण रिंकल्स फाइन लाइंस दिखाई दे रहे हैं या ड्राइनेस के कारण फाइन लाइंस दिखाई दे रहे हैं तो उसे भी ये ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस क्रीम को बनाने के लिए या जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है क्लोव। क्लोव जो आप सब्जियों में यूज़ करते हैं, जिसे लौंग भी बोला जाता है, क्लोव जो है में बहुत एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अगर जिन्हें लेमन सूट नहीं कर रहा है और वो सोच रहे हैं कि स्पॉट को कैसे दूर किया जाए, तो उनके लिए क्लोव जो है वो रामबाण औषधि की तरह काम करता है और आपके रिंकल्स को भी ये दूर करेगा। आप इसे एक बार ट्राई करके देखें। मैंने एक आई रिंकल के लिए क्लोव का वीडियो भी बनाया है, आप उसे भी देखें, वो भी काफ़ी सुपर इफेक्टिव है। आपको यहाँ पे 1.5 स्पून जो है वो क्लोव लेना है। देखिए, इतना मेजरमेंट कीजिए कि आपका जो क्लोव है वो 1 स्पून पाउडर में आपको मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 स्पून जो है वो क्लोव लिया है। इसका जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड जो है वो आपके एज के लिए, तो सोचिए कि आप तो फ्लैक्सीड को खा भी सकते हैं, अगर आपको जल्दी से रिंकल्स नहीं लाना है फेस पे तो फ्लैक्सीड का आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है फ्लैक्सीड। तो यहाँ पे आपको 2 स्पून जो है वो फ्लैक्सीड लेना है। अब आपको क्या करना है, दोनों को एक ग्राइंडर में डालकर इसका एक पाउडर आपको बना लेना है। जितना देखिए मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है, आपको भी इसी तरह से पाउडर फॉर्म में आपको इसको बना लेना है। इसके बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में निकाल लें। अब आपको क्या करना है, इसे किसी भी कंटेनर में आपने निकाल लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 कप आपको वाटर लेना है और किसी भी पैन में वाटर को डाल देना है। इसके बाद जो आपने पाउडर बनाया है उस पाउडर को इस वाटर में ही मिक्स कर देना है। अब आप इसे गैस पे रख दें और पहले इसका जो फ्लेम है वो हाई रखें। जब एक बॉयल आ जाए उसके बाद आपको इसका फ्लेम जो है वो लो कर देना है, बिल्कुल लो कर देना है, और आपको 10 मिनट्स तक इसे कुक करना है। जब 10 मिनट्स हो जाएंगे तब आप देखोगे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, और तब आप गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दें। इसको देखिए, हमने इसका फ्लैक्सीड का और क्लोव का पाउडर बनाया है, इसलिए इसको आपको किसी मलमल के कपड़े से ही छानना है, जिससे ये इसका जेल फॉर्म जो है वो हमें ईजिली मिल जाए। इसको अच्छे से छान लिया, ये थोड़ा गर्म होगा तो गर्म होने से जो है इसको छानने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आप जो रोटी बनाते हैं उस रोटी के जो चिमटा होता है, तो आप उस चिमटे से जो है वो प्रेस करके इसका जो है जेल निकाल सकते हैं। जितने अच्छी तरीके से आप इसका जेल निकालना है आप अच्छी तरीके से निकाल लीजिए, और जो इसका बच जाएगा उसे मैं लास्ट में बताती हूँ उसका क्या करना है। आपने इसका जेल निकाल लिया, ये देखिए कितना खूबसूरत सा आपका जेल रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 स्पून जो है वो एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल में भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, आपके स्पॉट को भी दूर करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमने एलोवेरा जेल ट्राई किया लेकिन हमारे स्पॉट दूर नहीं हुआ। तो अगर आप सिर्फ एलोवेरा जेल लेते हैं अपने स्पॉट को दूर करने के लिए, अपने झाइयों को दूर करने के लिए, तो आपको फ्रेश लीफ लेना होगा। ये जो मार्केट वाला है वो इतना वर्क नहीं करता है। तो आप जो है यहाँ पे 2 स्पून जो है वो एलोवेरा जेल लेंगे। इसका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है, इसमें ऑयल ऐड करना है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, लेकिन मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल ले रही हूँ। आपको 2 स्पून जो है, अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो फुल 2 स्पून जो है वो यहाँ पे आलमंड ऑयल आपको मिक्स करना है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि बहुत विंटर हमारे यहाँ नहीं पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 स्पून जो है वो आलमंड ऑयल ले रही हूँ। इसके बाद इसमें जो है आपको एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड करना है।
आपको यहाँ पे 2 जो है वो विटामिन ई कैप्सूल ऐड करना है। आप कोई भी, आपके पास अगर कैप्सूल है तो आप कैप्सूल ऐड करें, आपके पास अगर कैप्सूल नहीं है तो जो, अगर आपके पास ऑयल है तो विटामिन ई ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे आप ऑलमंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें विटामिन ई पाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी आप ऑयल ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो वर्क करेगा आपके। ये थोड़ा सा ख़राब भी नहीं होने देता है, अगर आप जो क्रीम बना रहे हैं इस कैप्सूल को ऐड करने से वो जल्दी से वो ख़राब भी नहीं होता है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कीजिए, 1 से 2 मिनट तक आपको मिक्स करने में टाइम लगेगा। इसे अच्छे से जब आपने मिक्स कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, जो कांच का कंटेनर होता है, ग्लास का कंटेनर होता है, उसमें इसको आपको फिल कर देना है। ये आपका खूबसूरत सा मैजिक क्रीम जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब चलिए देखते हैं इसे कैसे अप्लाई करना है। आपने ये क्रीम लिया, ये बहुत अच्छा है, बहुत रिंकल्स के लिए तो ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, और अगर आपके पिंपल्स के स्पॉट है तो भी बहुत अच्छी तरीके से इसे हटाएगा। देखिए मैंने वही क्रीम लगाया है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए फिर से लगा रही हूँ, बहुत अच्छा ग्लो भी इस क्रीम से आता है। तो ये जो है आपको थोड़ी सी क्रीम लेनी है, थोड़ा सा आपने क्रीम लिया और इसको अच्छे से जो है वो डॉट डॉट करके अपने फेस पर आपको अप्लाई करना है। इसे आप आइज पर भी लगा सकते हो, नेक पे भी लगा सकते हैं। तो आप इसे लगा के हल्का सा जो है वो मसाज करें, जिससे जो आपकी क्रीम है वो पूरी तरीके से स्किन में आपकी चली जाए, पूरी तरीके से वो एब्जॉर्ब कर ले, जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं रिंकल्स के लिए। वैसे तो ये ऐसी क्रीम है कि आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम को ये दूर करने वाला है। अच्छे से आप मसाज करके इस क्रीम को जो है वो ऐसे ही ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पॉट है और आप घर पे रहते हो, आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है, धूप से इतना ज़्यादा टच नहीं है, तो आप इसे डे में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं, यह आपके हाथों को भी बहुत अच्छा बनाएगा। आप इस क्रीम को लगा के ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दें और मॉर्निंग में जो है वो नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। मॉर्निंग में देखेंगे आपका फेस जो है वो ग्लोइंग हो गया है, और आपके फेस से इसको लगाने से जो ड्राइनेस है वो भी दूर होगी, लेकिन जो डार्क स्पॉट है, रिंकल्स है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम जो है इस क्रीम को देना होगा, तभी ये मैजिक अपना दिखाएगा, लेकिन असर जरूर करेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट का पता नहीं चलेगा, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और जो हमने जो जेल निकाल लिया, उसके बाद जो उसका पाउडर बच जाता है, उसे आप एज ए स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी उसमें थोड़ा सा शुगर मिक्स करके और थोड़ा सा ग्लिसरीन या कोई भी ऑयल मिक्स करके अच्छे से हाथ पे, पैर पे आप अच्छे से स्क्रब की तरह यूज़ कर सकते हैं। शुगर नहीं है तो आप बेसन या व्हीट फ्लावर भी इसमें मिक्स करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने वाला है, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करने से ही रिज़ल्ट का पता चलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और इसके साथ एक बेल आइकन भी होगा उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।